ये हम सीन देखते हैं फाय का, जहाँ पर फाय कहते बातें कितनी अजीब है ना कि सबसे पहले सब कुछ पीनाम को पता चला। एन कहता जैसे पीनाम ने हमें बताया हम तुरंत यहाँ आ गए। फाय कहता यही तो बात सबसे अजीब है, पीनाम ने कहा पीटर एन से कि उसने वीडियो क्लिप देखी जिसमें कोई लड़की लुच्छुप के साथ बदतमीजी कर रही है। स्काय से कहता और पीनाम ने आपको क्या कहा? बस स्काय कहता उसने मुझसे कहा कि किसी ने लुच्छुप पर अटैक किया है, उसके साथ पैंग भी है। फाय कहता लेकिन उस वीडियो क्लिप में तो कोई भी फाइटिंग नहीं है। पैंग से पूछते पैंग क्या उस रूम में कोई और भी था? इस पर पैंग कहती नहीं, पर बस हम चार ही थे। फाय कहता इसका मतलब हमें जैसे ही पता चला तुरंत उसके एक मिनट बाद नैम को भी पता चल गया। फाय कहता ऑफ कोर्स उसे सब कुछ इसलिए पता है क्योंकि उसने ये सब कुछ करवाया है। सुनकर सब शॉक हो जाते। तभी फाय कहता है लेकिन मैं ये जानना चाहता कि उसने सबसे पहले सब कुछ पीनाम को क्यों बताया, फिर वो चाहती क्या है। और यहाँ पर फाय एक डिटेक्टिव बन जाता है। देखते हैं जहाँ पर लुच्छुप होता है रैम के साथ। रैम कहता है ये घर मेरी मॉम ने मेरे लिए खरीदा था क्योंकि वो चाहती थी कि मैं यूनिवर्सिटी के पास रहूं। तो अभी भी मुझे कॉलेज में लेट होता है तो मैं यहाँ आकर सो जाता हूँ, लेकिन मुझे घर रहना काफी ज्यादा पसंद है, मैं इस अपार्टमेंट में बहुत कम आता हूँ। तो लुच्छुप कहता है लेकिन मैं पैंग के घर भी रह सकता था। तो रैम कहता है नहीं तुम नहीं रह सकते, पैंग एक लड़की है और उसके पेरेंट्स वरी करेंगे। लुच्छुप कह रहा है थैंक यू पीराम। इस पर रैम कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प कर बहुत खुशी होती है, ऐसे भी तुम्हारे फेस पर रेडनेस आ चुकी है तो अच्छा है कि तुम यहाँ रह जाओ, वरना अगर ग्रैंडमा ने देखा तो काफी ज्यादा वरी करेंगी। डोंट वरी यहाँ पर सब कुछ है मेरे पास तुम्हारे लिए, तुम यहाँ आज के दिन रह सकते हो। तुम ग्रैंडमा को कॉल कर कह दो कि तुम आज रात घर नहीं आने वाले। चुप कहता ठीक है मैं कॉल करता हूँ। तभी रैम कहता तो क्या तुमने दादी को बताया है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? अपनी फैमिली को मेरे बारे में बताया? चुप कहता नहीं मैंने नहीं बताया। कहता तो फिर क्या वो वरी नहीं करेंगी कि तुम किसके घर रुक रहे हो? इस पर लुच्छुप कहता है नहीं मैं उन्हें कह दूंगा कि मैं यूनिवर्सिटी में सो रहा हूँ, मुझे कुछ प्रोजेक्ट का काम है। रैम स्माइल देता है कहता है क्या बड़े से झूठ बोलना सही है? चुप कहता है मैंने दादी को अब तक कुछ नहीं बताया है हमारे बारे में। तो रैम कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरे ख्याल से मुझे खुद दादी से मिलकर सब कुछ बताना चाहिए अपने बारे में, मैं तुम्हारा कौन हूँ। यहाँ पर रैम लुच्छुप को टीज करता है। इस पर लुच्छुप कहता है फिर रैम कोई बात नहीं मैं तुम्हारा वेट करूंगा, जब तुम रेडी हो जाओगे तब हम दोनों साथ में बताएंगे इस बात को। हम कहते हैं काम करो तुम जाकर शावर ले लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर करता हूँ। तभी लुच्छुप कहता है ओके। ये देखकर रैम स्माइल देता और कहता है मेरे कितने गुड बॉय हो, मैं कितना लकी हूँ ना। सुनकर लुच्छुप यहाँ पर काफी हैप्पी होता है। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर लुच्छुप रेडी होकर आता है और यहाँ पर वो अपने बारे में ऑनलाइन हेट कमेंट्स को पढ़ता है। पर लिखा होता है लुच्छुप खुद को कितना इनोसेंट बनता है लेकिन वो कितना बड़ा चालबाज है वो किसी को नहीं पता। दूसरी लिखती है मुझे पीराम के लिए तो बहुत ही बुरा लग रहा है, चारों ने तो ये भी नहीं पता कि लुच्छुप ने उनके पहले कितने सारे लड़कों को ट्रिक किया होगा, कितने सारे अफेयर्स होंगे। और दूसरी लिखती है तुम्हें लुच्छुप के डर्टी जॉब्स के बारे में नहीं पता। ये सब कुछ पढ़कर लुच्छुप यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी वो लड़की वापस कमेंट करती है तुम सबको नहीं पता लेकिन लुच्छुप बहुत ही बड़ा हुकर है, कोई भी उसके बारे में जानना चाहता हो तो तुम मुझे डीएम कर सकते हो। और यहाँ पर वो सारे लुच्छुप के बारे में हेट कमेंट्स करते हैं। ये देखकर लुच्छुप यहाँ पर रोने लगता है, कुछ लूसी नहीं किया होता है। और तभी वहाँ पर पीराम आता है फूड लेकर, कहता देखो मैं टाइम पर आ गया। और तभी वो लुच्छुप को देखता है कि लुच्छुप तो रो रहा है। रैम कहता है लुच्छुप तुम्हें क्या हुआ? लुच्छुप कुछ बोलता ही नहीं है। रैम कहता है तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मुझे सब कुछ बताओगे, कहता है वो सब मुझे इंटरनेट पर फ्रेम कर रहे हैं। इस पर रैम लुच्छुप के फोन को लेता है और कमेंट्स को पढ़ता है और कहता है लुच्छुप जाने दो को पता है कि ये सच नहीं है। पर लुच्छुप रोते हुए कहता है लेकिन मैंने क्या बिगाड़ा है उन सब का, वो सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूँ। और यहाँ पर रैम लुच्छुप को पकड़ता है, लुच्छुप रोने लगता है। रैम कहता है मुझे सब पता है, बस हमारे बीच में प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना चाहते हैं और कुछ नहीं। लेकिन लुच्छुप तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम्हें परेशान करना चाहते हैं लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें इन सब बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम समझे। और यहाँ पर लुच्छुप काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर रात हो चुकी होती है और लुच्छुप यहाँ पर रैम के पास सोया होता है। रैम लुच्छुप को ही देख रहा होता है और कहता है आई एम सॉरी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, ये सब मेरी गलती है, तुम जैसे काइंड हार्टेड पर्सन के साथ ये सब कुछ होना ही नहीं चाहिए था, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। यहाँ पर रैम लुच्छुप के गालों पर किस करता है। रैम कहता है डोंट वरी मैं हूँ तुम्हारे साथ। हम सीन देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का कॉलेज का, जहाँ पर सबके आने से पहले लूसी और उसके फ्रेंड्स लुच्छुप के नाम के पोस्टर लगा देते हैं हर जगह कॉलेज के। यहाँ पर पोस्टर लगाते हैं, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी होता है। फिर आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर रैम लुच्छुप कॉलेज आते हैं, जहाँ पर रैम लुच्छुप के बारे में पोस्टर को देखता है, यहाँ पर पोस्टर्स को हटाते हैं। तभी वहाँ पर पैंग और बाकी सब आते हैं। पैंग कहती है वो सब कितने क्रूर है ना, कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी बेवजह। और यहाँ पर पोस्टर पर लुच्छुप का फोटो होता है, उसका मोबाइल नंबर और
लिखा होता है कि वन नाइट की सर्विस के लिए इस नंबर पर कॉल करें, आपको सर्विसेज दी जाएंगी। यहाँ पर लुकचुप के बारे में उल्टी सीधी बातें लिखी होती है। तभी टैन कहता है मुझे नहीं पता कि सब किसने किया है, लेकिन ऐसे कई सारे पोस्टर्स अंदर भी लगाए गए हैं। सब कुछ पढ़ने और सुनने के बाद लुकचुप यहाँ पर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और डर जाता है। तभी पैंग कहते हैं लुकचुप तुम शांत हो जाओ, हम सारे पोस्टर को अभी के अभी हटा देंगे। ये आज हम सब कॉलेज में जल्दी आए हैं। पीटी और सुपर गए हैं हमारे प्रोफेसर के पास, अभी सीसीटीवी फुटेज को चेक करेंगे। और तभी वहाँ पर लुकचुप को कॉल आता है अननोन नंबर से। छुप कहता है हेलो। तभी कॉल पर एक लड़का कहता है तो क्या तुम ये जॉब करते हो? भाई कहता है क्या तुम मेरे घर अभी आ सकते हो, मैं काफी हॉट फील कर रहा हूँ। फिर लुकचुप कहता है आपने किसी रॉन्ग पर्सन को कॉल किया है। बॉय कहता है लुकचुप तो फोटो में तुम्हें जितना गोरा दिखाया गया है, क्या तुम सच में उतने गोरे हो? ये सुनकर लुकचुप यहाँ पर काफी शॉक हो जाता है। ग्राम गुस्से में फोन लेता है और कहता है अगर आज के बाद तुमने इसे कॉल किया तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। यहाँ पर कॉल को कट कर देता है। लुकचुप यहाँ पर रोते कहता है किसी ने सारे पोस्टर्स को देखा है और वो मुझे अब कॉल कर रहे हैं। तभी राम कहता है बस बहुत हुआ लुकचुप, चलो हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। लुकचुप कहता है नहीं, अगर हमने ऐसा किया तो दादी और मेरे भाई को सब कुछ पता चल जाएगा और मैं नहीं चाहता कि वो मेरे बारे में परेशान हो। फाय कहता है लेकिन अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया तो उनकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। काय कहता है हाँ प्लीज तुम्हें कंप्लेंट तो करनी होगी। पैंग कहते हैं लुकचुप मुझे पता है कि तुम उनकी केयर करते हो, लेकिन तुम्हें खुद के बारे में भी तो सोचना चाहिए, सब तुम्हारे साथ है। पर लुकचुप भी सारी चीजों को देखने के बाद सुनने के बाद काफी ज्यादा डर जाता है, यहाँ पर सोचने लगता है और टेंशन की वजह से यहाँ पर वो बेहोश हो जाता है। तो लुकचुप तुम्हें क्या हुआ? तभी पैंग कहती है हमें लुकचुप को यहाँ से लेकर जाना चाहिए और सबको वहाँ से जाता है। आगे हम सीन देखते हैं लुकचुप के घर का जहाँ पर लुकचुप की दादी होती है। तभी वो अपनी नौकरानी से कहती है देखो बाहर कौन है। तभी हम सीन देखते हैं जहाँ पर रैम लुकचुप को लेकर घर आता है। लुकचुप की मेड लुकचुप को देखते और कहते लुकचुप तुम्हें क्या हुआ? कहता है लुकचुप की तबीयत थोड़ी खराब थी इसलिए मुझसे घर लेकर आया हूँ। ये हम सीन देखते हैं जहाँ पर रैम होता है लुकचुप की दादी के साथ। रैम कहता है हेलो दादी, मेरा नाम रैम है और मैं लुकचुप का सीनियर हूँ। लुकचुप की दादी कहती है थैंक यू लुकचुप को घर लाने के लिए, लेकिन क्या हुआ, क्या तुम मुझे बता सकते हो? इस पर रैम कहता है लुकचुप की ऐसी हालत मेरी वजह से हुई है। इस पर मेड कहती है क्या, उन्हें हमारे चुप के साथ क्या किया? पर रैम कहता है बात ये है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और मैं लुकचुप का बॉयफ्रेंड हूँ, मैं लुकचुप से प्यार करता हूँ। पर दादी कहती तो फिर इसमें गलती क्या है? इस पर रैम कहता है बहुत से लोग कॉलेज में हमारे डेट करने से हैप्पी नहीं है। लुकचुप की मेड कहती वो कौन है? रैम कहता है मुझे नहीं पता लेकिन वो मेरे साइड से तो बिल्कुल नहीं है। पर मेड कहती तो फिर तुम्हारे एक्स के बारे में क्या, क्या तुम्हारा कोई एक्स है? तुम्हें पहले ही बता देती हूँ तुम हमारे छुप के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते। दादी कहती है लैक तुम पहले इसकी बातों को सुन तो लो। पर रैम कहता है आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, आज से पहले मैंने कभी किसी को भी डेट नहीं किया। लुकचुप मेरा फर्स्ट और लास्ट है और मैं सच में लुकचुप से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसे ऑफिशियली डेट करना चाहता हूँ। सच कह रहा हूँ मैं लुकचुप को लेकर काफी ज्यादा सिंसियर हूँ, लेकिन शायद कोई है जो मुझे पसंद करता है और इस बात को लेकर वो यहाँ पर लुकचुप को परेशान कर रहा है। इस पर दादी कहती तो क्या लुकचुप को किसी ने बुले किया? एम कहता है यस। एम कहता है मैंने लुकचुप से कहा था कि मैं ऑफिशियली खुद को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा आपसे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ इतना जल्दी हो जाएगा। दादी कुछ नहीं बोलती और रैम को देखने लगती है। रैम कहता है घबराते हुए ग्रैंडमा आंटी मैं सच में लुकचुप से बहुत प्यार करता हूँ, सबसे परमिशन चाहता हूँ, मैं लुकचुप का ख्याल रखना चाहता हूँ, उसे हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मुझे आपकी परमिशन चाहिए। दादी कहती स्माइल देते हुए मुझे कोई परेशानी नहीं है तुम्हारे लुकचुप के डेट करने से। ये सुनकर रैम यहाँ पर स्माइल देता है, लेकिन लुकचुप हमारी फैमिली का सबसे प्यारा बच्चा है कि काफी ज्यादा केयर करते हैं, तो अगर तुम उसके बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो तो तुम्हारी वजह से लुकचुप कभी भी सैड होना नहीं चाहिए। रैम कहता है यस। दादी कहती है तो फिर तुम मुझे प्रॉमिस करो कि आज के बाद लुकचुप के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। इस पर रैम कहता है यस मैं प्रॉमिस करता हूँ। यहाँ पर फाइनली दादी रैम और लुकचुप के रिलेशनशिप को हाँ कह देती हैं। फिर आगे हम सीन देखते हैं कॉलेज का जहाँ पर रैम होता अपने फ्रेंड्स के साथ। तभी स्काई कहता है लुकचुप कैसा है? रैम कहता है मेरे ख्याल से लुकचुप के लिए सब कुछ बहुत ही ज्यादा है, वो काफी ज्यादा मेंटली स्ट्रेस से गुजर रहा है। मैंने फोन को तो स्विच ऑफ कर दिया और उसे कन्विंस किया कि वो सो जाए। टैन कहता है तो अभी किसके साथ है? रैम कहते हैं वो अपनी आंटी और अपनी दादी के साथ है, मैं आज शाम को उससे मिलने जा रहा हूँ। तभी स्काय कहता है नैम। इस पर रैम कहता है क्या? स्काय कहता है मेरे ख्याल से तुम्हें नैम से पहले बात करनी चाहिए। उनके रैम यहाँ पर शॉक हो जाता है। हम सीन देखते हैं लुकचुप के भाई का जहाँ पर वो रैम और लुकचुप की साथ वाली पोस्ट को देखता है और यहाँ पर लुकचुप के बारे में की गए ढेर सारे हेट कमेंट्स को पढ़ता है। लिखा होता है लुकचुप कितना बेशर्म इंसान है और यहाँ पर अपने भाई के बारे में हेट्स कमेंट को पढ़कर उसका टेम्परेचर 100 के भी ऊपर चला जाता है, वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उससे में सोफे पर पंच मारता है, वो देखकर उसका मैनेजर कहता है क्या हुआ, वो यहाँ पर डर जाता है। तभी लुकचुप का भाई गुस्से में कहता है ये रैम है कौन? मैनेजर कहता है तुम क्या बोल रहे हो?
तभी उसका फ्रेंड रैम की पिक को देखता है। उसका फ्रेंड कहता है, ये इसे तो मैं जानता हूँ, इसका नाम रैम है और ये मैडम लिहाई का बीच वाला बेटा है। रैम के भाई का नाम बताता और कहता है, तुम तो इसको जानते हो ना, ये बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है और इन सब की हाई ब्रांड की सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप है हमारी सिटी में, डायमंड का बिजनेस है। सुनने के बाद शिन यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में जाने लगता है। तब इसका मैनेजर कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? इस पर शिन कहता है, गुस्से में मैं जा रहा हूँ रैम से मिलने, आ रहा हूँ उसका मुंह तोड़ने। मैनेजर कहता है, तुम शांत हो जाओ, तुम क्या कर रहे हो? इस पर शिन कहता है, तुम अभी ऐसी बातें कर रहे हो क्यों? जैसे लुकछुप की लाइफ कितनी मिस हो चुकी है, देखा नहीं कि सबको लुकछुप को कैसे बुले कर रहा है, उसके कमेंट्स तुमने पढ़े नहीं? मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इस पर मैनेजर कहता है, लेकिन तुम्हारा शो तो अभी बाकी है, तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ। पर शिन कहता है, वो सब मैं बाद में कर लूंगा, मेरा भाई मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना कहकर वहाँ से जाता है। मैनेजर कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मेरा वेट करो। हम सीन देखते हैं नाइट का, जहाँ पर लुकछुप काफी सैड होता है, वो सोया होता है। तभी वहाँ पर कोई डोर को नॉक करता है। इस पर लुकछुप कहता है, मैंने कहा ना कि मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ नहीं खाना। वहाँ पर शिन की आवाज आती है जो कि कहता है, लेकिन मैंने बहुत ही मेहनत से तुम्हारा फेवरेट फूड तुम्हारे लिए लाया है। और अपने भाई की आवाज सुनकर यहाँ पर लुकछुप काफी एक्साइटेड हो जाता है। वो डोर ओपन करता है, अपने सामने अपने भाई को देखकर वो काफी ज्यादा हैप्पी हो जाता है। लुकछुप कहता है, आप यहाँ कैसे? कहता है, लिटिल बॉय तुम ठीक तो हो? लुकछुप कहता है, हाँ मैं बस थोड़ा सा थक चुका हूँ। इसके साथ एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर।